भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरे टेस्ट के वेन्यू में किसी भी तरीके का चेंज नहीं किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बीसीसीआई के एक ऑफिसर ने बताया कि दोनों टीमों के बीच 27 सितंबर से कानपुर में होने वाला दूसरा मैच तय कार्यक्रम के अनुसार ही खेला जाएगा। दरअसल कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने बांग्लादेश के खिलाफ खेलने का विरोध किया है और अनाउंस किया है कि वो बांग्लादेश की टीम के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। इसका कारण बांग्लादेश में कथित तौर पर हिंदुओं पर हमला बताया गया है। इन ऑर्गेनाइजेशन ने विशेष रूप से कानपुर में प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। इस बारे में जब बीसीसीआई से पूछा गया तो एक ऑफिसर ने उन्होंने कहा, हम संबंधित अधिकारियों के साथ स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं, हमने ये सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए हैं कि मैच निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हो और स्टेडियम दोनों टीमों की मेजबानी के लिए पूरी तरह से तैयार हो। बीसीसीआई ऑफिसर ने कहा, ये मैच और कहीं नहीं होने जा रहा है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, ये कानपुर में ही होगा। हालांकि हम कानपुर और बाकी जगह पर इवेंट पर नज़र रखना जारी रखेंगे। 19 सितंबर से चेन्नई में भारत और बांग्लादेश के बीच दो मैच की टेस्ट सीरीज की शुरुआत होगी। दोनों टीमों के बीच इसके बाद 27 सितंबर से कानपुर में दूसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा। भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ सीमित ओवरों की सीरीज के बाद से ब्रेक पर चल रही है और बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज से उसका अभियान फिर शुरू होगा। बीसीसीआई ने बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के लिए संडे को 16 सदस्यीय भारतीय टीम घोषित की थी। इस सीरीज से विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत टेस्ट में वापसी करेंगे। ऋषभ पंत ने अंतिम बार दिसंबर 2022 में भारत के लिए टेस्ट मैच खेला था। इसके बाद उनका कार एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद उन्होंने लंबे समय तक क्रिकेट नहीं खेली थी। उसके बाद आईपीएल के जरिए उन्होंने क्रिकेट में वापसी करी। आईपीएल तो उनका उतना कुछ खास नहीं रहा, लेकिन T20 वर्ल्ड कप में ऋषभ पंत ने अपने बल्ले से काफ़ी कमाल किया और उसके बाद अब दलीप ट्रॉफी के जरिए रेड बॉल क्रिकेट में उन्होंने वापसी की और बांग्लादेश सीरीज में भी ऋषभ पंत हमें खेलते हुए नजर आने वाले हैं। इसी के साथ साथ इंडिया वर्सेस बांग्लादेश सीरीज के फर्स्ट टेस्ट मैच में आपको एक नया मेहमान भी जरूर मिलेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यश दयाल की, जो अपना टेस्ट डेब्यू कर सकते हैं इंडिया वर्सेज बांग्लादेश सीरीज में। ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए क्रिकेट केसरी।